देखिए मेरे फॉर एसके म्यूज़िक एज अ कंपोजर नहीं बोलूँगा बट एज ए ओनर ऑफ अ रिकॉर्ड लेबल एसके म्यूज़िक वर्क्स मैं ये बोलना चाहता हूँ। द बेसिक चीज़ जो यूएसपी हमारी रही है, हमने रन ऑफ द मिल काम नहीं किया है कि हमें सिर्फ इसके लिए कि एक गाने को रिलीज़ करना है तो हर महीने कुछ भी कर दो। और हमने जो टीम बनाई स्टार्टिंग फ्रॉम हमारे CEO से लेके नीचे तक पूरी जो टीम है, हम सबसे पहले ये देखते हैं कि वो टीम में म्यूजिशियन और पैशनेट म्यूजिशियंस कितने हैं, क्योंकि हर गाने को उसकी यूनिकनेस के ऊपर सेल करना है। एंड दैट वाज द थिंग व्हिच वाज वर्किंग। दुआ करो के बाद में शुरू हुई, आज हम ये 8वां गाना कर रहे हैं अबरे करम। बट यू विल फाइंड जब आप एक के बाद एक देखते जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि एक कोई पैटर्न को हम फॉलो करते हैं। वी आर एक्सपेरिमेंटिंग इन म्यूजिकली भी अलग अलग जोन में कर रहे हैं और विजुअली भी अलग अलग जोन में। ऑफकोर्स बहुत बोलने वाली बात ही नहीं है, सिद्धार्थ भाई बहुत प्यार करते हैं और सिद्धार्थ भाई एक ट्रू म्यूजिशियन है और बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो इतना मतलब बहुत कम जगह पे इतना मतलब आर्टिस्ट को एक प्यार मिलता है। आपने देखा ये जिस तरीके से प्रमोशन होता है गानों का, जिस तरीके से हर चीज़ को लेके जाया जा रहा है ऊपर, तो आप देख सकते हैं। तो मैं देखिए पहले तो ये आप अबरे करम बताऊं, इस तरह के वर्ड्स तब आपके सामने आते हैं जब म्यूजिक डायरेक्टर या आपका प्रोड्यूसर आपका डायरेक्टर जब उसको एक्सेप्ट करे। तो ये सिद्धार्थ भाई शुरू से ही मतलब नए वर्ड्स के मतलब ये आशिक है और मुझसे कहते रहते हैं यार नए वर्ड्स। तो ये जो अबरे करम आया तो समझ लीजिए कि ये ना होते तो शायद ना भी आता। और इसका मतलब जो है ये पर्शियन दो लफ्ज़ हैं, एक अब्र है और एक है करम, और ये दोनों को मिलाया गया है अबरे करम यानी करम का बादल। और ये हिंदी वाला करम नहीं है, करम यानी मेहरबानी, मेहरबान है ना, दया करने वाला दया। तो मेरे अबरे करम और अब्र यानी बादल, तो आए मेरे मेहरबान बादल, मतलब वो महबूबा को या महबूब को ऐसे एड्रेस कर रहा है, मुखातिब कर रहा है कि आए मेरे मेहरबान बादल, मेरे लिए ऐसा कर, मुझसे ऐसे मिल, मेरे ऊपर ऐसे बरस। जो भी इसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं, बहुत कुछ इसमें कहा जा सकता है और हमने कोशिश की है कि कुछ ऐसा कहें जो नहीं कहा गया है या कम कहा गया है। वो पूरा गाना आप सुनेंगे तो उसका अबरे करम का मज़ा आएगा, वो पूरे गाने में वो अबरे करम चल रहा है। एक कंपटीशन देखिए, इंडिपेंडेंट म्यूज़िक का एक अलग मार्केट है और उसका कंपटीशन अभी आज हमारा लेवल है कि छोटा लेवल है, बट हम जो गाने करते हैं वो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट और इंडिपेंडेंटली प्रमोट करते हैं, सो हमारे पास बहुत लिमिटेशन हो जाती है। जब फिल्मों आपकी कंपनी में अगर बड़ी बड़ी फिल्में आ रही है तो आपका वो जो रीच होती है वो बहुत वाइड स्प्रेड रीच होती है। बट इन दो सालों के अंदर में एक बहुत अच्छी चीज़ भारत में हुई है और म्यूज़िक इंडस्ट्री में हुई है कि लोग हर प्रकार का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं और जो अच्छा लग रहा है वो उसके लिए उसकी स्टार वैल्यू या कंपनी की वैल्यू नहीं देखते। मैं एसके म्यूज़िक वर्क अगर अच्छे गाने बनाते जाएगा और अच्छे म्यूज़िक रिलीज़ करेगा तो उसकी चैनल के ऊपर देखते रहेंगे, कोई इसलिए नहीं आएगा कि एसके म्यूज़िक वर्क के पास में मुझे जाना है या वो जाना है, क्यों। फाइनली इट इज़ द सॉन्ग विच शुड वर्क। हमारे ये वाला गाना है अबरे करम, अबरे करम के बाद में पिछला भी हमने जनवरी में किया था इश्कबाजी, इसके बाद में नक्काश भाई के साथ में हमारा एक गाना है रिस्की विच इज़ कमिंग, एक बहुत अच्छे सिंगर है मधुर शर्मा उनके साथ में हम एक गाना कर रहे हैं, और दो तीन आर्टिस्ट ऐसे हैं जो बिल्कुल फ्रेश वॉइसेस हैं, हम उन्हें भी लॉन्च कर रहे हैं। और मैं फ्रेश वॉइसेस इसलिए कहूँगा क्योंकि उनका अभी तक कुछ भी नहीं आया, लेकिन वो हमारे क्यूरेटेड प्लेलिस्ट में, सो वी आर ट्रेनिंग देम। पहले हम उन्हें 2-4 महीना गाना भी सिखा रहे हैं और वो ट्रेन कर रहे हैं ताकि जब हम गाना करके निकालें उसके बाद में वो वहाँ से फ्लरिश। वेरी गुड। देखिए हर गाने के ऊपर खाली आप हमारे गाने पे देखेंगे ना तो उसके ऊपर में कमेंट्स बहुत है और मुझे खुशी इस बात की होती है कि नॉर्मली आपको बहुत सारे म्यूज़िक वीडियोस देखेंगे वहाँ पे या तो एक्टर की बात होती है, एक्ट्रेस की बात होती है या वीडियो के ऊपर में बात होती है,
हमारे हर जगह के ऊपर में लोग म्यूजिकल बात करें, कभी कहीं सिंगर की बात करें, कभी शायरी की तारीफ करते हैं, कभी कंपोजिशन की तारीफ करते हैं, और वो मुझे लगता है वो एज अ कंपोजर, एज एन आर्टिस्ट, मुझे लगता है म्यूजिकल वर्ल्ड में हमें सबसे ज़्यादा मोटिवेटिंग वो होता है। केवल आप देखते हैं, उससे व्यू बढ़ते हैं, उससे ज़्यादा खुशी उस पर मिलती है जब आप उसके ऊपर में लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और कमेंट करते हैं। हर गाने में नयापन होता है, गाने में नयापन ये होता है कि हम पहले तो ये सोच के नहीं बनाते हैं कि आज सुबह ये वायरल हो गया तो चलो कल ये गाना बना लो, तो सबसे पहले उससे बाहर निकलना पड़ता है और वो बाहर निकल के अपनी सोच के ऊपर में खड़ा रहना, क्या है वो शेर शकील भाई का, अपनी मंजिल तक पहुंचना, अपनी मंजिल पे पहुंचना भी, खड़े रहना भी, कितना मुश्किल है बड़े होके बड़े रहना। Then I got to know about the company and the label, and जब हमने शूट किया, हमने 3 दिन बहुत रेगुलर लाइक बहुत हेक्टिक शूट किया, एंड जैसे जैसे हम शूट कर रहे थे अंशुल ने जैसे हमें शूट कराया, हमसे एक्टिंग करवाई, खुद एक्टर लगते हैं बट डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं सर, सो बहुत मज़ा आया एंड आउटपुट हम सबको दिखने देख पा रहे हैं, बहुत अच्छा आउटपुट निकल गया एंड वी आर होपिंग कि ये वीडियो भी 100 मिलियन से ऊपर जाए। अंजलि Great experience, of course, working with Anshul sir and Siddharth sir. I'm working with them for the second time. And Siddharth sir ne opportunity di hai. Thank you so much for that. And Anshul sir just creates this world. I have no idea how to come out of. You have asked me this question and I'll go on for the whole night. Because I've still not been able to come out of that video. So, wow, Anshul, thank you so much. Thank you. इंडियन म्यूजिक ग्लोबल जा रहा है, उसके बताइए सर, नाटू का अवार्ड मिला है, ग्लोबल अवार्ड्स, साथ साथ ही ऑस्कर परफॉर्मेंस। देखिए इंडियन म्यूजिक ग्लोबल जा रहा है, बहुत अच्छा साइन है, लेकिन ठीक है जो अवार्ड होते हैं वो कोई चीज़ होती है, कभी कहाँ पर चलती है ये होती है, इट डजेंट मीन के वो चीज़ बेस्ट हो सकती है, तो दूसरी भी म्यूज़िक हो रहा है, दूसरा भी यहाँ पर लोग काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट अब दुनिया में हमारी भाषा को कहीं से भी, जो भी भारतीय भाषा है उसको अगर एक रिकॉग्निशन मिल रहा है और हमारी विधा को रिकॉग्निशन मिल रहा है, तो आई थिंक हम सबको उसके साथ में खड़ा रहना चाहिए और उससे प्राउड फील करना चाहिए। सबसे पहले तो किसी भी चीज़ की शुरुआत उसकी जो सोल है म्यूज़िक वीडियो की, वो उसका गाना होता है, सब जानते हैं ये, तो थैंक यू सो मच सिद्धार्थ जी, शकील भाई, अल्तमाश भाई, इतना ब्यूटीफुल गाना हमको करने के लिए मिला। आई थिंक आधी जीत तो हमारी वहीं हो गई थी, क्योंकि गाना इतना खूबसूरत है, वी फेल इन लव विद द सॉन्ग, जैसे हम लोगों ने सुना, इतने खूबसूरत गाने के ऊपर कहानी बना के गलत जाना बहुत ही मुश्किल होता है, तो इट वॉज़ वेरी इजी फॉर अस टू मेक दैट। और ये हम लोगों ने शूट किया है मांडव में और इंदौर में, मध्य प्रदेश की बहुत खूबसूरत दो जगह हैं ये, आई थिंक पीपल विल सी हाउ ब्यूटीफुल दीज प्लेसेस आर जब वो लोग ये म्यूज़िक वीडियो देखेंगे। एंड इसकी कहानी जो है ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल इनोसेंट लव स्टोरी है, और ये कहीं ना कहीं हम सबको अपने पास्ट में ले जाके एक कनेक्ट कराएगी कि शायद आप लोगों का भी सबका पहला प्यार ऐसा ही कुछ हुआ होगा, तो ये जो एक कनेक्शन है विद पीपल, आई थिंक ये बहुत अच्छा इस वीडियो के लिए काम करेगा। और अक्षत और अंजलि ने बहुत ही कमाल का काम किया इस म्यूज़िक वीडियो के अंदर, और उन किरदारों को जो हमने बनाया है उनको इतनी ब्यूटीफुली ये लोग पर्दे पर लेकर आए हैं, सो आई थिंक एवरीबडी विल लाइक द वीडियो एज मच एज वी लव मेकिंग इट। सिद्धार्थ जी, कव्वाली टाइप गाना है, ये बेसिकली जो गाना है ये कव्वाली है, ये वही ट्रेडिशनल उस जोन में जो नुसरत फ़तेह अली खान साहब के द्वारा शुरू की हुई परंपरा थी, उसी को हमने एक्सटेंशन में किया, रागदारी से भी उसी राग के अंदर में, मीटर से भी उसी मीटर में, लेकिन इसकी अपनी यूनिक ट्यून है, लेकिन हमने कोशिश की कि जो ट्रेडिशनल फॉर्मेट होता है कव्वाली का उसको रखा जाए पर उसे थोड़ा मॉडर्न वे से प्रेजेंट। नेक्स्ट सॉन्ग है अभी, ये हमने फरवरी में वैलेंटाइन के लिए किया है, इसके बाद में अगले 10-15 दिन में एक गाना मैंने टेनिस प्रीमियर लीग के लिए बनाया था जो कि दिसंबर में हुई है आजा मैदान में, आज हम वो भी परफॉर्म करने वाले हैं, अमित गुप्ता और आजा हसन ने गाया है, शकील भाई ने लिखा है, और वो वाला हमारा उसका वीडियो रिलीज़ करने वाले हैं। देन 3 गाने हमारे और लाइंड अप है जो कि मार्च अप्रैल और मई में, जून जुलाई के अंदर में नहीं है, और अगस्त में एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसके अंदर भी अक्षिता हैं और अंशुल ने डायरेक्ट किया है, और वो है इंडिपेंडेंस, ये 75वां साल जो भारतीय आज़ादी का है,
तो उसके लिए अमृत महोत्सव में हमने एक गाना किया और वो मोहित चौहान जी के साथ में किया है, जिसे हम जुलाई एंड या अगस्त में रिलीज किया। थैंक यू सर। थैंक यू।